नमस्कार, आज पढ़ेंगे साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 6। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 60%, डी 80%। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है, मींस वन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको करवाएंगे साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 6 में टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। टॉप 40 साइंस का सीरीज नंबर 6 क्वेश्चन है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वीडियो को देख रहे हैं लास्ट जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा लाइक करके आगे देखते रहें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखेंगे मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 98.6 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट, मीन्स 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना, एक बार में याद भी हो जाएगा आपको। थर्ड कहता है मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है, कहाँ पचता है आपको वो बताना है। ए उदर, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी यकृत। मतलब कि जो मानव जो भोजन करता है शरीर में वो कहाँ पचता है, देखिए पचता है आपका छोटी आंत में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन्स 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, पनीर से, पालक से, मछली से कि दूध से। याद रखिएगा मनुष्य जो है लोहा वो प्राप्त करता है आपका पालक से, मीन्स 4th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार में याद आपको जरूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। हाँ देखिएगा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कार्बन है, मीन्स 5th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, मुंह में पाचन होता है सबसे पहले वो बताना है। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी विटामिन। तो सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, 6th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, मतलब भोजन जो है ना पचने का किस अंग से शुरू हो जाता है। ए मुंह, बी यकृत, सी पेट और डी आंत। देखिए अगर भोजन का पाचन जो है मुंह से प्रारंभ हो जाता है, मीन 7th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कहता है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। ए स्टेपीज, बी फीमर, सी कशेरुक और डी कपाल हड्डी। याद रखिएगा शरीर सबसे बड़ी हड्डी वो फीमर है जो कि जांग में पाई जाती है। आनिक 8th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो मैं 9 कर लेते हैं। 9 कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे अंदर वाला अंग जो है मानव शरीर का वो कौन सा है। ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। अब देखिएगा मानव शरीर सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका यकृत है, मीन्स 9th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत को बोलते हैं इसमें लीवर। बताएं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 कहता है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। 1350, 1250, 1100 कि 1150। अब देखिएगा मानव मस्तिष्क का जो है वो 1350 ग्राम का होता है, मीन 13 का है, 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क जो है वो 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का। बस इस क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है। ए मस्तिकांग, सी अनुमस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क और डी मध्य मस्तिष्क। आप देखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, मीन 11th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई बात है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, बी यकृत यानी कि लीवर, सी गुर्दा यानी किडनी, डी हृदय। अब देखिएगा शरीर सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र होती है। मिस 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई वाज क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपने आप जांच सकते हैं कि टॉप 40 में कितने आप साइंस का सही आंसर कर सकते हैं, अपने अपने कॉपी में निकाल कर चेक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी बताना है। ए लीवर, बी थायराइड, सी पिट्यूटी, डी लार ग्रंथि। अब देखिएगा शरीर सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटी ग्रंथि। मिस 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 14 कहता है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए पिट्यूटी, बी थाइमस, सी तिल्ली, डी बुनर ग्रंथि। याद रखिएगा शरीर में जो होता है मास्टर ग्रंथि वो पिट्यूटी ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटी ग्लैंड को। मीन्स 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे। उपरोस्थि को किस जगह पे पाएंगे। ए जांग में, बी नितंब में, सी कपाल में कि डी छाती में। अब देखिएगा तो मानव शरीर में उपरोस्थि को जांग में पाएंगे। मिस 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता है हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। 16 से 18 बार, 20 से 30 बार, 100 से 10 बार, 6 से 10 बार। देखिएगा हम एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। मीन 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी 14 से 18 बार भी दिया रहता है, वो भी आपका सही होगा। एक मिनट में कम से कम 16 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है। आइए बात क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। तो 17 करता है देखिए वीडियो को जो देख रहे हैं लास्ट से देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। सत्रह कहता है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में, डी मूंग में। देखिएगा टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है, टांग यानी कि पैर में पाई जाती है। मीन 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। ए पित्ताशय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी ग्रास नली। तो उसे यकृत कहा जाता है। क्या है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे यकृत कहा जाता है। मीन्स 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे यकृत कहा जाता है यानी कि लीवर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अपथाल्मिक संबंधित है, किस संबंधित है। ए नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से कि डी आंख से। देखिएगा अपथाल्मिक जो है वो संबंधित आपका आंख से होता है। मिस 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछेगा अपथाल्मिक संबंधित है आंख आने की आई से संबंधित है अपथाल्मिक। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए प्रोटीन, बी खनिज लवण, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तात्कालिक मतलब तुरंत होता है, बहुत जल्दी जो है स्रोत कौन सा होता है। देखिए तुरंत जो है स्रोत आपका वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट। मीन्स 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अब देखिएगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए 3, बी 6, सी 7.4, डी 12। देखिएगा मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मीन्स 21 का ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम पूछे जाते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान यानी पीएच वैल्यू। देखिएगा पीएच का होता है फुल फॉर्म आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच का खोजकर्ता थे सोरेनसन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। देखिए मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मनुष्य के हृदय की असामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है। 100 की 72, 80 की 64। देखिएगा प्रति मिनट जो है मनुष्य का हृदय स्पंदन वह 72 बार होता है, यानी कि 72 बार मनुष्य का जो है धड़कता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं।
उसमें 23 कहता है सर्वदाता रुधिर वर्ग है, सर्वदा मतलब सभी को देने वाला, वो कौन सा जो है ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को दे सकता है। ऑप्शन ए ए, बी का बी, सी का ऑप्शन ए बी की डी ओ। देखिए सभी देने वाला जो ग्रुप होता है वो ओ होता है, मीन्स 23 का ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही मतलब सबसे जो है वो ले सकता है, उसे कहते हैं सर्वग्राही, मतलब वो सबसे जो ले सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। ए ओ, बी ए बी, सी बी की डी ए। देखिएगा ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, 24th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है। ए बी सब ग्रुप वाला व्यक्ति होगा वो खून से दे सकता है, ए और बी को, बी केवल ए बी को, सी ए बी एवं ओ को, डी इन सभी को। अब देखिएगा तो हो जाएगा आपका ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति जो है केवल ए बी को ही दे सकता है, ए बी सिर्फ ए बी को देगा, मीन्स 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, इसका ओ ब्लड ग्रुप रहेगा, ओ किसे खून दे सकता है, अपना ब्लड दे सकता है। ए रक्त समूह को, बी बी रक्त समूह को, सी ए बी रक्त समूह को, ब्लड ग्रुप को, डी सभी रक्त समूह को। देखिए ओ क्या बताए, सौदाता है यानी कि ब्लड डोनर है, वो सभी को ब्लड दे सकता है, इसी कारण से ओ जो है सभी रक्त समूह को ब्लड दे सकता है, मीन 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। 27 कहता है मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मीन्स कंट्रोल होता है, बैलेंस जो होता है रक्तचाप किसके द्वारा होता है। ए एड्रिनल ग्लैंड, बी थायराइड ग्लैंड, सी थाइमस, डी कॉर्पस लूटियम। तो देखिए आपका एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है, 27 का ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है, 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आपका इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, मतलब इंसुलिन से कौन सा रोग जो है वो होता है उसी कमी के कारण से। ए बेरी बेरी, बी डायबिटीज, सी कैंसर, डी एनेमिया। तो इंसुलिन कमी के कारण से जो देखिए वो डायबिटीज होता है, डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, 28 का ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। इंसुलिन कमी के कारण से डायबिटीज रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। क्वेश्चन 29 की कहता है मानव शरीर में क्रोमोजोम आने की, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिएगा 23 जोड़ा होता है, मीन्स 40 होगा। ऑप्शन ए 40, बयाल 44, कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 46 हो जाएगा। देखिएगा पूछे कितना जोड़ा होता है, तो कहना कहिएगा 23 पेयर आने की 23 जोड़ा होता है, टोटल कितना होता है 46 होता है। मानव शरीर में क्रोमोजोम आने गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 6 की डी 8। तो मानव मूत्र का पीएच मान सी होता है यानी 6 होता है, 30 का ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ब्लड का होता है पीएच मान 7.4 और मानव मूत्र का होता है पीएच मान 6 होता है। आइए बात है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ए फीमर, बी स्टेमी स्टेपीज, सी कशेरुकू, डी कपाल हड्डी। देखिएगा मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, स्टेपीज जो है देखिएगा वो कान में पाई जाती है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान में जो है वो पाई जाती है आपका स्टेपीज, छोटी हड्डी होती है मानव की। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है वो बताना। ऑप्शन ए 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 98.6 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मीन्स 32 का ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर तापमान, तापमान और कहा जाए फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है
इंसुलिन स्रावित होती है, ए पेनक्रियाज अग्नाशय में, बी पैराथायराइड में, सी यकृत में, डी पिट्यूटरी में। वो बताना है आपको कि इंसुलिन कहाँ स्रावित होती है। देखिएगा इंसुलिन आपका पेनक्रियाज आने की अग्नाशय में स्रावित होती है, दैट इज का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख क्वेश्चन 34 कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 34 कहता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, ए अस्थि मज्जा में, बी प्लीहा में, सी यकृत में, कि डी हृदय में। देखिएगा लाल रक्त का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता, अस्थि मज्जा में होता है। 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता, अस्थि मज्जा को जिसे बोलते हैं बोन मैरो में होता है। आइए क्वेश्चन 35 कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए 35 कहता है आपका, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा, रक्त जो है कितना एक ब्लड होता है एक वयस्क मनुष्य में, मतलब एक मानव में जो है कितना ब्लड होता है औसत मात्रा, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी 6 से 7 लीटर। अब देखिएगा एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। क्वेश्चन 36 कहता है, लाल रक्त का आकार होता है, ए गोलाकार, बी उत्तलाकार, सी अनियमितकार, डी इनमें से कोई नहीं। देखिएगा तो लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार होता है, मतलब लाल रक्त का आकार कैसा होता है तो गोलाकार होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। 37 कहता है देखिए आपका, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है किसी मनुष्य ह्यूमन बॉडी का, ए 90, बी 120/80, सी 100/120, डी 120/150। देखिएगा तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है 120/80 होना चाहिए, वो होता है सामान्य रक्तचाप 120/80, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं, 38 नंबर की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, ए फाइब्रिनोजेन, बी राइबोजियम लेगुमिनोसरम, सी स्टेफाइलोकोकम, डी नोनोकसारलोन। तो रक्त को जमाने में प्रोटीन आता है उसे कहते हैं फाइब्रिनोजेन, क्या कहते हैं उसे फाइब्रिनोजेन कहा जाता है। मीन्स 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमाने में उसे फाइब्रिनोजेन कहेंगे या तो कह सकते हैं फाइब्रिनोजोन कहा जाता है। आइरिस क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। क्वेश्चन 39 कहता है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है क्या है, ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणु का नाश, सी रक्तालुता का निवारण, डी लौह का उपयोजन। देखिए शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। मीन्स 39 का ऑप्शन नंबर एक का आंसर हो जाएगा। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 6 का आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। साइंस एमसीक्यू सीरीज नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है 40। हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है ए कॉपर, बी कोबाल्ट, सी निकेल, डी आयरन। देखिएगा हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। मिस 40 का ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आई होप आपको 40 क्वेश्चन साइंस का अच्छा लगा होगा। जरूर आप लाइक कर दीजिएगा इसको, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो इजी लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।